अभी हम है राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति ऑफिस के बाहर, जहाँ पर है माही हॉस्टल की जो छात्रा है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। कि ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि यहाँ अवैध जो गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है हॉस्टल में, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि पहले भी एक बार दिया गया था, लेकिन इन्होंने ज्ञापन दिया और VC ने उस टाइम मान लिया था, उसको रद्द कर दिया, तो दोबारा एक बार फिर जो है जो प्रवेश दिया गया है वो गलत तरीके से प्रवेश दिया। इसी पर बात करने के लिए कुछ छात्राएँ हमारे पास मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या मैटर है, क्या मामला है, एक बार क्या मामला है। सर, मैं माही हॉस्टल की छात्रा हूँ। यहाँ पे यह हॉस्टल है ना अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए बनाया गया है, लेकिन ये लोग अवैध तरीके से अदर कैटेगरी के बच्चों को इसमें एडमिशन दे रहे हैं और अनुसूचित जाति के छात्राओं को बाहर कर रहे हैं। और ये हम मैटर हमने मैम को पहले बता दिया था और वो मान भी गई थी और वो अपने बयानबाजी बदल चुकी हैं अभी कि वो वापस है ना अनुसूचित जाति के छात्राओं को साथ अन्याय कर रही हैं और अदर कैटेगरी की लड़कियों को एडमिशन दे रही हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति की लड़कियां ही आए, अदर कैटेगरी की लड़कियां नहीं आए। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है। एक बार पहले भी मिले, अभी मिले, अभी बात नहीं हुई है, अभी वो आई नहीं है, तो आएंगी जब यही बात बोलने वाले। लगभग 2 घंटे हो गए हैं हम लोग यहाँ पे, तब से उनका वेट कर रहे हैं, वो नहीं आई अभी तक। और हमारे तीसरे दिन उन्होंने नया नया तरीका अपना रखा है कि इनको कैसे न कैसे परेशान करना है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता है कि SC के अलावा कोई और कैटेगरी के बच्चे वहाँ पर आएँ। तो ये लोग अपनी मन मर्जी से एडमिशन दे रहे हैं। कल रात को लिस्ट लगाई है, अब उन बच्चों को 10 बजे से पहले बुलाया, जबकि ऐसा नहीं है, 10 बजे के बाद में एडमिशन्स होते हैं, इन्होंने पहले ही देना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे एडमिशन्स मिल रहे हैं, DD कट रही है, हम लोग नहीं चाहते कि वो। हमारी जो मांग है वो बेसिकली ये है कि क्योंकि माही छात्रावास SC कैटेगरी का छात्रावास है, तो हमारी मांग ये है कि जब क्योंकि SC कैटेगरी का छात्रावास है तो जनरल गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं जो सारे छात्रावासों पे अप्लाई होती है, हम ये चाहते हैं कि वो गाइडलाइंस इसमें अप्लाई ना हो करके हमारी जो लड़कियां हैं उनको सबको एडमिशन मिले। इन लोगों ने क्या किया है, 80 से भी ज़्यादा लड़कियों के एडमिशन्स को रिजेक्ट कर दिया है अपने गाइडलाइंस का हवाला देकर। हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमको हमारी गाइडलाइंस आप अलग से बना कर दो, क्योंकि अगर ये जनरल गाइडलाइंस ही हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इन लोगों ने हम लोगों को इतना परेशान किया हुआ है इस चीज़ की वजह से। हम लोग यहाँ पहले भी आए थे, हमने पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है, VC मैम मान गए थे, इन्होंने बोला था कि ठीक है हम नहीं करेंगे लड़कियों का एडमिशन, लेकिन जैसे ही लड़कियाँ थोड़ी ठंडी हुई इन्होंने वापस लिस्ट लगा दी और वापस जनरल OBC की लड़कियों का ये लोग ज़बरदस्ती एडमिशन कर रहे हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी मद्देनजर ना रखते हुए कि ये सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी का छात्रावास है और यहाँ पे SC कैटेगरी की लड़कियों को ही एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन की लिस्ट लगाई गई है अभी 78 गर्ल्स का लगाया जनरल OBC के। कब लगाई ये? कल शाम को लगाई इन लोगों ने, कल शाम को लगाई, पहले भी लगाई थी, हमने पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है इस रिगार्डिंग। आई थिंक 15-20 दिन हुए हैं हमको यहाँ पे, फिर 15-20 दिन बाद इन लोगों ने वापस शाम को लिस्ट लगा दी और सुबह से ही एडमिशन स्टार्ट कर दिए। हालांकि हमने मैम से बात भी की थी, मैम को हमने बोला था कि आप अभी रुक जाओ, एडमिशन मत करो, बट उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। मैम ने तुरंत सुबह आते ही पेरेंट्स आ गए बच्चों को लेके और DD काट दी और एडमिशन स्टार्ट कर दिया। तो यही हमारी डिमांड है, मांग यही है कि अगर प्रायोरिटी हॉस्टल है SC का तो उसमें SC को ही एडमिशन दिया जाए। जो हर साल गाइडलाइन आ रही है इनकी, हर साल जो नई नई गाइडलाइन आ रही है चेंज करने की, अब की बार इन्होंने गाइडलाइन डाली अनरिजर्व कैटेगरी को हम हॉस्टल देंगे, वो सही नहीं है। अगर हमारे बच्चे SC के, उनका कहना है कि OBC जनरल के बच्चे बाहर परेशान हो रहे हैं, SC के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, उस क्योंकि स्पेशली SC के लिए हॉस्टल बनाया गया है, वो तो कहीं फॉलो कर नहीं रहे। हमारी यही डिमांड है कि देने का टाइम कब था और कब दिया इन्होंने, मतलब दो महीने निकाल दिए, एडमिशन देना पहले था 2 महीने बाद दिए, तो बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए SC वाले। अब ये चाहते हैं कि हम लोग ना किसी भी तरीके से SC को ना लाकर ये अपनी मनमर्जी से OBC जनरल के बच्चों को लेकर आए। हम लोग ये पूछ रहे हैं इन लोगों से कि अगली साल जब SC के बच्चे आएंगे तो उनको एडमिशन कैसे देंगे, क्योंकि 1 साल का कोर्स होता नहीं है, 2-3 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, तो उन बच्चों को एडमिशन कैसे देंगे, सीट तो अभी भर देंगे ये लोग। तो ये हमारी मांग है कि SC के अलावा किसी को सीट ना मिले वहाँ पर। हमेशा OBC जनरल की लड़कियों का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा है, कैटेगरी में अनुसूचित जाति के वर्ड बोले जाते हैं, वो भी एक मेन मुद्दा है कि गवर्नमेंट ने यही सोच के हॉस्टल बनाया है हमारा। अभी स्टार्ट हुए एडमिशन तो यही हुआ था कि एक लड़की ने बदतमीजी की, साथ में उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने भी हमसे बदतमीजी की, तो मैम से हमने इस बात पे कहा कि मैम आगे हम नहीं चाहते हमारे साथ, क्योंकि हम भी पढ़ने आए हैं, हम तीसरे दिन यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं मैम कि आए ही ना, क्योंकि हम हर
दिन किसी के साथ बहसबाजी नहीं कर सकते कि भाई तुमने हमें हमारी कास्ट के ऊपर क्यों बोला। तो ये मैम ने सीधा सीधा ऐसा बोल दिया कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, पर वो मानेगी नहीं। और भी कई छात्रा हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कैंपस है इसमें अभी भी कई छात्राएं जो है वो मौजूद हैं। तो इनका यही कहना है कि लगातार जो इनकी मांग है वो ये रख रही है बार बार। देखिए और भी कई छात्रा हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या मैटर है, क्या प्रमुख मांग है? मांग सिर्फ एक ही है कि जो माही छात्रावास है वो SC का है, तो उनके जो SC की छात्राएं हैं उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए, उनके जो अधिकार है वो उनसे ना छीने जाए, जो ये एडमिशन ले रहे हैं अन्य वर्ग की छात्राओं का उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं और VC के द्वारा ही वो जो लिस्ट है वो हटाने का निर्देश दिए गए थे, लेकिन परंतु कल रात्रि को इन्होंने वो लिस्ट वापस लगा दी है और जो SC की छात्राएँ हैं उनको एडमिशन नहीं दिए गए हैं। जबकि हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि कल को अगर SC की छात्राओं की स्ट्रेंथ बढ़ती है जो एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो वो छात्राएं कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड हैं हॉस्टल के अंदर और जो कोर्स होते हैं वो 2 साल 3 साल या फिर 5 साल 5 ईयर लॉ के कोर्स होते हैं, तो जो सीट्स आप उन अदर कैटेगरीज़ को दे रहे हो तो ये तो साफ साफ से जो अनुसूचित जाति की छात्राएं हैं उनके साथ गलत हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो ये जो अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं उसे ना करें और छात्राओं की जो हित है, जो अनुसूचित जाति की जो छात्राएं हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ अगर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई गई है तो उन्हें हमसे ना छीना जाए। VC से मिले आज या बात हुई, फ़ोन वोन किया कुछ? जी नहीं, VC से हमें नहीं मिलाया गया है। इनका हमेशा की तरह यही कहना होता है कि VC ऑफिस में मौजूद नहीं है। जो लास्ट टाइम VC हमसे मिली थी तो उन्होंने हमसे यही बात करी थी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जो अगर सीट फुल होने के बाद SC की छात्राओं से सीट फुल होने के बाद वेकेंट रख दें, तो हमने उस चीज़ पे बोला था हाँ जी आप वेकेंट रख दो, लेकिन उन्होंने फिर भी ये लिस्ट निकाली और हमारी जो चीफ वार्डन है उनसे हमारे सामने उन्होंने ये बोला था कि आप जाइए हॉस्टल, लड़कियों को कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन ना तो चीफ वार्डन आई लड़कियों को कन्विंस करने और अपनी ही मर्ज़ी से उन्होंने कल वो लिस्ट लगा दी और उसके बाद वो हमें हमारा भविष्य ख़राब करने की, हम पे कार्रवाई करने की कि आप पे डिसिप्लिनरी का मैं एक्शन लेऊंगी कि आप मतलब हॉस्टल में ना इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हमारी जो मांगें वो बहुत ही जायज़ हैं। हम हमारे अधिकारों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और एक विद्यार्थी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसको उनका अधिकार ना मिले, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना करा जाए। आगे क्या रणनीति है अगर VC अभी मिलने, क्या क्या कार्रवाई कुछ? हम यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि VC जो है वो भी हमारी बात मान ले, क्योंकि हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी जो मांग है वो बहुत ही जायज़ मांग है, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारी शांतिपूर्वक हमारी बात मान ले। जो लिस्ट निकली उसमें कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने एडमिशन दिया? जो लिस्ट निकली है वो करीबन 78 छात्राओं की लिस्ट है और जो कि मतलब 150 जो नए बच्चों के लिस्ट है उसमें से मतलब 78 इन्होंने अदर कैटेगरी को दे दी और उन्हें पर्सनली फ़ोन करके आज ही के आज बुलाया जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, ताकि ये लोग DD और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें और उसके बाद छात्राओं के द्वारा कोई एक्शन ना लिया जाए। तो ये प्रमुख इनकी मांगे हैं कि जो एडमिशन जो जारी है वो कहीं ना कहीं रोका जाए और जो पहले की इनकी जो सहमति बनी थी उसको एक बार वापस किया जाए, यानी कि जो सहमति बनी थी कि जो गैर जो SC के लोग हैं विद्यार्थी उनको उसमें प्रवेश ना दिया जाए, उसी को लेकर इनकी प्रमुख मांग है जिसको लेकर ये वापस प्रदर्शन कर रही है। 80 जो विद्यार्थी हैं उनका एडमिशन यहाँ दिया जा रहा है, तो उसका रोकने के लिए ये धरना प्रदर्शन जारी है, यानी इनकी जो प्रमुख मांग है कि ये एडमिशन ना हो, इसी को लेकर माही हॉस्टल की जो छात्रा हैं वो VC के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।